किसान साथियों, बात कर लेते हैं इंदौर मंडी के आज के फाइनल भाव के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको सही और सटीक जानकारी के द्वारा बताएंगे आज का जो भाव है, फाइनल भाव है इंदौर मंडी का, कैसा देखने को मिला है। तो चलिए किसान साथियों, जान लेते हैं फाइनल भाव में कितना उतार चढ़ाव मंडी में देखने को मिला हुआ है, आवक के अनुसार कैसी स्थिति देखने को मिली हुई है। तो सारी जानकारी, सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। किसान साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ, नई वीडियो का इंतजार भी कीजिएगा। और किसान साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये भी बताएं आपकी फसल, आपका प्याज आज के दिन किस रेट में बिका हुआ है। किसान साथियों, ऑल ओवर फाइनल स्थिति सुबह से लेकर शाम तक की जो स्थिति है इंदौर मंडी की, आज काफी अच्छा चांस देखने को मिला हुआ है, क्योंकि हाईएस्ट ऊपर में जो टॉप क्वालिटी का प्याज है वो 37, 38, 39, 4000 रुपये 4100 की रेंज में बिकता हुआ नज़र आया है। वहीं पर किसान साथियों, मीडियम प्याज की अगर बात करें तो मीडियम वाला 3000 रुपये से लेकर 3100, 3200, 3300, 3700, 3500 हाईएस्ट बिकता हुआ नज़र आया है। गोल्टा, गोल्टी, छटन मिक्स, छोटे छटन मिक्स प्याज की अगर बात करें 2000 रुपये से लेकर किसान साथियों 2200, 2300, 2400, 3000 के करीब बिकता हुआ नज़र आया है। ऑल ओवर मंडी की जो स्थिति है आज के दिन काफ़ी अच्छी देखने को मिली हुई है। हम कह सकते हैं मार्जिन अच्छा है, स्थिति भी काफ़ी हद तक बेस्ट देखने को मिली हुई है। प्याज के जो भाव में अगर बात करें तो उछाल ही आने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है आज की जो स्थिति है। बांग्लादेश निर्यात रिपोर्ट की अगर बात करें, एक्सपोर्ट रिपोर्ट की अगर बात करें, तो 80 गाड़ियों का जो एक्सपोर्ट है आज के दिन बांग्लादेश में देखने को मिला है। हीली बॉर्डर और मेहंदीपुर बॉर्डर, किसान साथियों, हीली बॉर्डर, मेहंदीपुर बॉर्डर, पेट्रोलियम बॉर्डर और घोसदंगा बॉर्डर, इन चारों बॉर्डर से लगभग 80 गाड़ियों का जो निर्यात है आज के दिन बांग्लादेश में देखने को मिला हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आने वाले समय में बांग्लादेश निर्यात और कई भी देशों में जो निर्यात चल रहा है, सरकार ने भी निर्यात पर जोर दिया है, अगर अधिक ज़्यादा मात्रा में जोर हुआ तो प्याज में और ज़्यादा उछाल आने की संभावना बनती हुई नज़र आएगी। ऐसे में आपका निर्यात को लेकर आपका किसान साथियों क्या निजी निर्णय है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और आने वाले समय में प्याज की जो स्थिति है वो कैसी रहने वाली है, प्लीज़ ये भी जानकारी बताएं। दिल्ली एतातपुर मंडी के अगर माहौल की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला हुआ है किसान साथियों। लगभग जो स्थिति है कहीं ना कहीं 4000 से लेकर 4500 के बीच में सिमटती हुई नज़र आई है। महाराष्ट्र की मंडियों में भी 4000-4500 का जो भाव है वो देखने को मिला हुआ है। और अगर अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सभी मंडियों में किसान साथियों 4000-4100-3500 के जो भाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मोस्टली 3500 से 4000 के जो करीबन भाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी मात्रा में हम कहें स्थिति तो काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति देखने के जो चांस है वो नज़र आ रहे हैं प्याज के भाव को लेकर। और आगे आने वाले समय में और ज़बरदस्त जो माहौल है वो भी बनता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। स्थिति के अनुसार प्याज की जो अपडेट रिपोर्ट है काफ़ी मात्रा में अच्छी देखने को मिली हुई है किसान साथियों, और आगे आने वाले समय में और ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, ये मेरे निजी अनुमान है किसान साथियों।